वार्निंग सभी को है जो मेरा और मेरे ड्रीम्स के बीच में आना चाहते हैं। छोले भटूरे खाया और बटर चिकन खाया। अच्छा थिएटर में बुर्का पहन के रिस्पांस देखने जाएंगे? मैं वो सीक्रेट लीक किया तो अब कर सकते या नहीं मालूम नहीं है। पगली पोदी सिनेमा। हाँ फुल रैंप मजा उस्तदी। हाँ अच्छा ये ऐसा इंटरव्यू है जिसमें सबसे पहले मेरा ध्यान गया आपकी चप्पल पर, आपने पीछे कर ली लाइगर क्रॉसब्रीड एंड वार्निंग। तो ये वार्निंग मतलब इंटरव्यू देने वाले के लिए है या किसके लिए, या अनन्या के लिए? ये वार्निंग सभी को है जो मेरा और मेरे ड्रीम्स के बीच में आना चाहता है। यू आर कमिंग, आप तो ड्रीम्स को पूरा कर रही हो। अच्छा रियल में अगर लाइगर सामने आ गया तो क्या करेंगे? मेरा सामने दोस्त बन जाऊंगा, उसके साथ लड़ूंगा तो नहीं, 100%। हाँ तो जो करेगा वही करेगा। हाँ, अच्छा बंदा है लाइगर, बहुत अच्छा बंदा है, मजेदार बंदा। बंदा या एनिमल की बात कर रहे हो आप? एनिमल पर्सन, आपने बात की एक्चुअल एनिमल। आई थॉट अबाउट हिम। नो चिंटू कह रहा है सारे सवाल प्रमोशन के हिसाब से। अब मैं भूल गया कि लाइगर एक एनिमल है, लाइगर तो जो किरदार में निभाया वही है। तो थोड़ा सेफ डिस्टेंस से देखूंगा क्योंकि लाइगर बहुत बड़ा बीस्ट है, लायन और टाइगर से बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। पर देखना चाहूंगा, मजा आएगा कि बट यू लव सीइंग टाइगर्स। आई लव सीइंग टाइगर्स बट फ्रॉम दूर से, यू नो इट कम्स फ्रंट, यू विल गो ऑन योर नीस एंड ऑफर योर हैंड। आप थिएटर में बुर्का पहन के रिस्पॉन्स देखने जाएंगे? मैं वो सीक्रेट लीक किया तो अब कर सकते या नहीं मालूम नहीं है, पर हम डेफिनेटली 25th मॉर्निंग हैदराबाद में देखेंगे पिक्चर ऑडियंस के साथ, फिर शाम में प्लान है कि बॉम्बे में देखेंगे। फिर तो पूरी चप्पल जीन्स में जाने वाली हूँ। हाँ, चप्पल माय नॉट बी गुड आइडिया, चप्पल बीड रहेगा बहुत, चप्पल खो भी जाएंगे पर तो सही है ना, उसमें ही मजा है। या वेयर एंड कट, अपने बाल क्यों कटवा दिए? मैं एक और पिक्चर शुरू किया जो ऑलमोस्ट 50-60% हो गया है, तो मैं तो 5 साल से मेरा हेयर स्टाइल मैं नहीं चूज करता हूँ, डायरेक्टर आता है बोलता है कि ऐसा होना है तो कटवाता हूँ, अगर कोई नहीं पूछता है, अगर बीच में हो तो छोड़ देता हूँ, कैसा भी कितना भी ग्रो होता है हो जाएगा। तो जब एक डायरेक्टर बोलता है कि ऐसा होना है मैं कटवाता हूँ, तो एक पिक्चर शुरू किया, एक लव स्टोरी है तो इसलिए कटवाया बाल। अच्छा ये बताइए मुझे, साउथ का जब भी कोई एक्टर मिलता है स्क्रीन पे, अनन्या ये आपसे भी क्वेश्चन होगा, दे आर लाइक यू नो लार्जर देन लाइफ बट रियल लाइफ में दे आर वेरी क्यूट, वैसा क्यों है, व्हाई दे आर कंसीडर्ड गॉड्स, भगवान क्यों माने जाते हैं साउथ वाले जितने भी स्टार होते हैं? उधर का प्यार कुछ अलग ही होता है, बहुत इंटेंसली प्यार करते हैं लोग। और मैं बोलता था अनन्या को, करण सर को, कि जब हमारा पिक्चर रिलीज होगा आप सब आना और देखना हमारे लोग कैसे होते हैं, जो फिल्म पैशनेट पीपल होते हैं। और ट्रेलर लॉन्च के लिए जब आया सबका माइंड उड़ गया कि क्या है मैडनेस। वो एक मैडनेस है लोग में जो हम बहुत पसंद करते हैं, एंड वी शेयर लाइक अ रिलेशनशिप विद देम, दैट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी लव रिलेशनशिप देयर। मुझे भी लगा कि यू नो कैसे होंगे वो रियल लाइफ में, एंड एक्चुअली रियल लाइफ में काफी लाइक शांत है, क्वाइट है, तो मुझे भी वो डिफरेंस लगा। पर आई डोंट नो कि वो रीजन क्या है उस प्यार के पीछे, बट आई नो दैट आई लव इट। एंड अगर आप कोई भी मेरा देखिए, अगर आप वीडियो देखिए और मैं स्टेज पर खड़ी हूँ और सब विजय के लिए चिल्ला रहे, माई फेस इज जस्ट लाइक एक बच्चा जो कैंडी स्टोर में रखा है, आई एम लाइक ओ माई गॉड ये कहाँ से आ रहा है, पर पता नहीं, पर मुझे सब चाहिए, आई वॉन्ट ऑल ऑफ इट। तो मुझे प्यार जो मिल रहा है उनको बहुत पसंद है, आई लव सीइंग इट, मुझे बहुत प्योर लगता है। ये बताइए कि आपने सोचा था कि मतलब इतना हल्ला होगा इस फिल्म का जिस तरह से हल्ला हो रहा है, मतलब पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट यू, योर चप्पल्स एंड एवरीथिंग अबाउट लाइगर, आई डोंट थिंक पॉसिबल है कि
कोई सोच सकता है कि ऐसा हो, मैं ही नहीं सोच सकता हूँ, मेरा फैमिली नहीं सोच सकते, सभी के लिए बहुत सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ऐसा हो रहा है। और दो दिन तीन दिन है रिलीज के लिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हो जाए। अनन्या कैसे रहे पिछले 20-25 दिन? यू आर लाइक ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग। एक ड्रीम की तरह, यू नो, एक ड्रीम की तरह था, क्योंकि अभी जब मैं सो भी रही हूँ, मुझे प्रमोशंस के ड्रीम आ रहे हैं, मैं कभी समझ भी नहीं पा रही कि ये एक्चुअली हुआ या मेरे सपनों में हुआ। पर वी गॉन टू 17 सिटीज, वी टेकन सम 25 फ्लाइट्स, एंड मैं टायर्ड ही नहीं फील कर रही हूँ, क्योंकि जब जब भी हम कोई नई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम इतने एनर्जाइज होते हैं, जो प्यार मिलता है, आई थिंक मैं भी नहीं बिलीव कर पा रही हूँ, I'm just feeling so happy and loved and blessed and grateful, and I hope कि हम लोगों को प्यार वापस भी दे पाएं through the movie and in any other way that we possibly can. अच्छा, हम हैदराबाद जाते हैं तो हम बिरयानी जरूर खाते हैं, मतलब इट्स लाइक कि आप अगर हैदराबाद गए हैं और आपने बिरयानी नहीं खाई है तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। दिल्ली आते हैं तो आप क्या खाते हैं? कल छोले भटूरे खाया, छोले भटूरे खाया और बटर चिकन खाया, और कुछ आज का मेनू क्या है? तो आपने क्या खिलाया? वही अरेंज किया, छोले भटूरे, छोले भटूरे, नेरुलास हॉट फज आइसक्रीम, बटर चिकन, पापड़ी चाट, अभी के लिए मेन्यू इतना ही है। मोमोज बहुत पॉपुलर है इधर, तो मोमोज दिल्ली की डिश नहीं है, बट अभी दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, जितने कॉर्नर्स है ना उससे ज्यादा मोमोज, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद मोमोज खाते हैं। इधर नहीं खाया, ओके, शाम ट्राई करेंगे, आज रात इधर ही है हम लोग। अच्छा, how Liger happened? किस तरह से ऑफर हुई? आप दोनों से ये सवाल है मेरा। फर्स्ट टाइम जब खबर आई थी तो we also got very excited कि a South superstar is doing a film with our Bollywood superstar. So मेरा करियर में बहुत ही बहुत सा पिक्चर है जो थोड़ा फेट डेस्टिनी के वजह से मेरे पास आता है। मैं पहला चॉइस नहीं होता हूँ वो पिक्चर के लिए। जो Liger भी है वो 8 साल से है स्क्रिप्ट आइडिया, और मैं पूरी सर को मिलने के लिए ट्राई नहीं कर रहा था, पूरी सर मेरे लिए मुझे मिलने के लिए ट्राई नहीं कर रहा था, बस मैं पसंद करता था उनको और उनको मैं पसंद था। एक दिन किसी वजह से हम दोनों एक ही जगह था और मिलना पड़ा, तो पूरी सर ने बोला एक बार बैठेंगे, मैं 2-3 आइडिया बोलूँगा तुझे, अगर पसंद है तो काम करेंगे। मेरा ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स था जो मुझे करना था, पर जब पूरी सर के साथ बैठा और Liger का स्क्रिप्ट सुना, इमीडिएटली मुझे लगा कि ये पिक्चर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ये पिक्चर करने के लिए एक्साइटेड था सबसे। तो मैं जो भी मेरा कमिटमेंट्स था हटाया और ये बीच में लाकर शुरू किया पिक्चर। तो थोड़ा डेस्टिनी है जिसने मुझे और पूरी सर को मिलाया और ये पिक्चर मेरा हाथ में गिरा और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और जब मैं स्क्रिप्ट सुना, मुझे लगा कि ये जो स्टोरी है, ये जो कैरेक्टर है, उसका जर्नी जो है, ये पूरा देश में सभी का जर्नी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। सब छोटे से फैमिली से होते हैं, बड़े ड्रीम्स लेकर। तो मैं सोचा था कि ये पिक्चर तो इंडिया के लिए बनाना है, और पूरी सर का जो पिक्चर है वो हर भाषा में रीमेक हो चुका है और हर भाषा में बहुत बड़े हिट हो गए हैं, जो उनका पिक्चर किसी और ने रीमेक किया। मैंने बोला कि अगर आपने डायरेक्टली पिक्चर बनाया देश के लिए तो मजा आ जाएगा। तो हमने करण सर से बात की कि हम इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं, साउथ तो हम हैंडल कर लेंगे, हिंदी हमको मालूम नहीं है, तो आपका हेल्प चाहिए। करण सर ने स्क्रिप्ट सुना और इमीडिएटली उन्होंने ऑन बोर्ड आया, उन्होंने बाहुबली लेकर आया देश के लिए। जो बाहुबली के बाद हम लोगों को पता है कि देश के लिए पिक्चर बना सकते हैं और प्यार मिलेंगे वापस वो एफर्ट डालने के बाद, तो ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प अस टेक दिस फिल्म टू द कंट्री, एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, एंड देन वी गॉट अनन्या ऑन बोर्ड। मेरी कहानी इतनी लंबी नहीं है, पर मैं पूरी सर चार्मी मैम को मिली और मुझे भी थोड़ा ये डेस्टिनी फेस में विश्वास है। एंड आई रिमेम्बर न्यू ईयर का दिन था, इट वाज लाइक 1st जनवरी, एंड आई फेल्ट कि ये करेक्ट
साइन है यू नो साल को एक पॉजिटिव हैप्पी एक्साइटिंग नोट पर स्टार्ट करने का. एंड एंड आई जस्ट फेल इन लव विद द फिल्म, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर. मुझे पूरी सर का पैशन बहुत पसंद आया. यू नो जब उन्होंने नरेट किया था स्क्रिप्ट, मुझे मैंने पूरी पिक्चर ऑलरेडी देखी थी एंड उनके यू नो नरेशन के थ्रू. एंड अभी भी जब मैं फिल्म देखती हूँ मुझे सेम ही लगता है. यू नो ही कीप्स क्रिएटिंग, कुछ अलग करना चाहते हैं हमेशा. सो आई जस्ट फेल इन लव विद इट एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टीम. मुझे उन सब के साथ काम करना था. लास्टली वी हैव अ तेलुगु चैनल आल्सो, जस्ट विश देम कि दे विल आल्सो सी लाइगर. और मुझे अगर आपसे तेलुगु में सवाल पूछना हो कि लाइगर की यूएसपी बताइए तो मुझे कैसे बोलना हो? लाइगर की यूएसपी, हाउ हाउ आई विल से इट इन तेलुगु? I can even answer. Yeah, she will teach you actually. Tell him to tell Pagli Poddi. Pagli Poddi. Pagli Poddi. Cinema Pagli Poddi. Cinema Pagli Poddi. Full ramp. Full ramp. Full ramp. Maza ostadi. Maza ostare. Maza ostadi. Maza ostadi. Maza ostadi. Maza ostadi. Haan. Ye sawal tha, jawab bhi tha. Ye jawab tha. To Hindi mein bhi bata dijiye. Full mass commercial. Shaking the world, shattering cinema, right? उसका नियम मतलब जरूर देखनी है लाइगर. Thank you so much for joining us. Thank you. विजय एंड अनन्या, बहुत मजा आया. Pleasure. Thank you so much. Thank you.